जय गुरु। 10 अप्रैल 2016 को परम पूजनीय बाबा इधर ने दीक्षा परिक्रमा कार्यक्रम के आखिर पड़ाव पटना में दिए गए वक्तव्य के कुछ अंश आलोचना करेंगे। ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्र के बारे में क्या बोले थे उसके बारे में जानेंगे। अब और एक बात, मेरा कोई अश्लेषा नहीं, मैं अपना राहु केतु शनि सबको धक्का मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र की एक बहुत बड़ी वाणी को फॉलो करता हूँ कि कुर्वन्ति ग्रह सर्प जस्य केंद्र बृहस्पति, जिसके जीवन के केंद्र में बृहस्पति हो, गुरु हो, उसका ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। बृहस्पति है कि नहीं मालूम, नहीं हम ठाकुरी जी को पकड़ लिए हैं, वे ही मेरी बृहस्पति है, यही मानकर हम चलते हैं। यदि गुरु का बल किसी के पास प्रबल हो तो वो जैसे भी हो पार हो जाएगा। मेरे ठाकुर जी है, मेरे ठाकुर की कोई अलौकिक क्षमता नहीं है। आप लोग के ठाकुर की अलौकिक क्षमता हो सकती है, वे मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, तो लगता है वे एहसास करा देते हैं कि दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में है। यही यदि अलौकिकता है तो अलौकिकता है, यही जादू है, यही मेरे ठाकुर है। और आप लोगों को यदि मेरा युक्ति सही लगे तो ग्रहण कीजिएगा, यदि लगे फालतू ये तो निकाल दीजिएगा ज़िंदगी से। यदि कोई भी बात लगे सुनने लायक उसको पालन करके देखिएगा, बेहद आनंद मिलेगा। हम सारी बात अपने जैसे सोचते हैं वही आप लोग को बोले हैं। अभी हम जाएंगे, यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम थोड़ा बाकी है, इसको समापन करके फिर निकल जाऊँगा। यहाँ से देवघर लौटना है, हम 100 दिन के लिए निकले थे, 100 दिन, ये 100 दिन का घूमना समाप्त हुआ। आज सोमवार दिन है, हम जब निकले थे वो था शनिवार और आज है रविवार, तो शनिवार निकले थे, रविवार को लौट रहे हैं। लगता है कि एक ही दिन का बात है, मेरे ज़िंदगी से 100 दिन कट गए। चलते हैं, यदि आप लोगों को प्रणामी देना है तो यहाँ प्रणामी की व्यवस्था है, आप लोग यहाँ प्रणामी दे सकते हैं। इसी प्रणामी को आप लोग यदि ठाकुर जी के कार्य में व्यवहार कर सकते हैं, व्यवहार कर दीजिएगा। ये जो व्यवस्था में खर्च किए हैं उसमें लगा सकते हैं। भूल से भी किसी ने मेरे लिए कुछ उपहार लाए है तो बांट दीजिए अड़ोस पड़ोस में, उससे उसका आनंद ले लीजिएगा। आप लोग सबको ही मंगल में रहिए, सबको ही खुश रहिए, यही मैं प्रार्थना करूँगा। जय गुरु।